अच्छा मैम जी, हम कर रहे हैं आज बॉडी मेकअप। तो सबसे पहले हमने प्राइमर लगाया है, ठीक है। जो हमारी स्किन थी मॉडल की वो बहुत फ्रेश थी और इतना कोई ब्लेमिशेस नहीं थे, कोई मार्क्स नहीं थे, एक नहीं थे, बिल्कुल क्लियर स्किन थी। तो जो हल्का फुल्का सा डार्क सर्कल की लाइन टाइप थी वो मैंने हाइड कर दी। मॉडल की कलर करेक्टर से कैबरीनी का फाउंडेशन लगाया, सिर्फ एक ही फाउंडेशन मैंने लगाया था, नीड ही नहीं थी कुछ स्किन के ऊपर इतना ज़्यादा लगाने की। सो मैंने लगा दी क्योंकि जाहिर सी बात है मेकअप लुक करें तो पहले मेकअप तो लगाना पड़ेगा ना। तो हमने यहाँ पर लगाया कंसीलर थोड़ा सा क्योंकि ब्राइटन अप करना था हमने अंडर आइज़ को, और वही कंसीलर हमने अपनी आइज़ के ऊपर लगाया। कंसीलर मेरा ब्यूटीफाई बाय आमना का था, ग्लैम गर्ल बाय महविश का ये जीरो मेकअप पैलेट है, और उसके ऊपर मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का ऑयल डाला है, इसको मिक्स किया, इसको ब्लश के तौर पर मैंने यहाँ पर लगाया। ब्लश ही है ये, लिक्विड ब्लश की तरह मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जो थोड़ी कम एज की लड़कियाँ होती हैं तो उनके ऊपर ये जो पिंकिश पिंकिश सी लुक होती है बहुत खूबसूरत लगती है। तो किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया था कि आप मुझे इस तरीके का ट्यूटोरियल बनाएं कि लाइट मेकअप हो, तो इस तरह का मेकअप मुझे अच्छा लगता है। तो ये हम सैलून में जो करते हैं वो ग्लैमर मेकअप के नाम से करते हैं इसको, और आप इसको सॉफ्ट मॉडल मेकअप भी कह सकते हो, ठीक है। कुछ लोग पार्टी मेकअप भी बोलते हैं, तो उनके हर किसी की अपनी लैंग्वेज होती है, लेकिन मेरे सैलून में इसको ग्लैमर मेकअप के नाम से मैं करती हूँ। तो अगर आप लोगों में से कोई भी बुकिंग करवाना होता है तो वो प्लीज़ करेक्ट नाम लिया करें, क्योंकि आप लोग जो बोल रहे हो तो फिर मुझे सही से समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। तो खैर कोई मसला नहीं है, मैं सबको अच्छे से गाइड कर देती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने कॉन्टोर करना शुरू किया। कॉन्टोर नोज़ की मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्टोर नहीं करी है क्योंकि जो फेस लुक थी ना वो नोज़ से बहुत प्यारी बन रही थी। तो यहाँ पर मैंने लगाया ब्लश ऑन, ब्लश ऑन मैंने फा ब्यूटी बाय फातिमा अली का लगाया। फा ब्यूटी बाय फातिमा अली का ही मैंने हाईलाइटर लगाया है और ये बहुत खूबसूरत था। थोड़ी देर बाद इतना ड्यू ही हो गया था ना, ज़बरदस्त लग रहा था। तो यहाँ मैंने कुछ शेड्स हैं वो मिक्स करके लगाए हैं, और लिप्स के बीच में मैंने चीक मड लगाया था ब्यूटी ग्लेज का, जिससे जो है वो कोरियन टाइप का जो इफेक्ट होता है ना लिप का में, वो आया था, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे लिप्स। तो या यू कैन फॉलो द टेक्निक्स, और जो लोग पुराने हैं फॉलोअर्स तो उनको हम बोलेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए, और जो जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो मैं उनसे कहूँगी कि आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने हाइलाइटर लगाया था गोल्डन कलर का, जो मैं यूज़ करती हूँ ओल्ड वीडियोज़ में, सबको पता ही है मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पर मैंने अब एक पैलेट के अंदर से पिंक शेड ले लिया था, जो कि मैंने आइज़ के नीचे भी लगाया और ऊपर भी। तो जो कमी इसकी लड़की होती है उन पर बहुत ज़्यादा हैवी हैवी मेकअप आइज़ पर नहीं अच्छे लगते, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। न्यूड पेंसिल मैंने आँखों में डाल दी थी और बिल्कुल लाइट सा एक पिंकिश शेड था वो मैंने लगाया। काशीज की डस्टी और मेवी लेडी का जो ग्लिटर प्राइमर था वो था। अगर आपका ग्लिटर गिरता है झड़ता है तो आप ये वाला ग्लिटर प्राइमर यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है, आपकी स्किन और आपकी आइज़ पर बहुत अच्छे से प्राइम कर देता है और ग्लिटर बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होता। यहाँ पर मैंने बारीक से लाइनर लगा दिया था बिल्कुल मासूम सा, ठीक है जी। और हल्की सी आईब्रोज मैंने, क्योंकि आईब्रो थिक होती हैं, ऐसी बात है ऐसी बच्चियाँ ज़्यादा आईब्रोज बनवाती नहीं है, और नेचुरल लुक देने के लिए हमने थिक थिक सी जो आईब्रोज बनी हुई थी उसको हल्का सा बफ ऑफ किया और इसके ऊपर हल्की सी ब्राउन से टचिंग दे दी थी। बहुत एक प्रोमिनेंट आईब्रो मैंने नहीं बनाई थी, बॉब का मस्कारा यूज़ किया। इसके बाद मैंने लैशेज लगाई हैं, लैश ग्लू मैं एस्टी लंडन का यूज़ करती हूँ। लैशेज लगाने की टेक्निक भी आपके साथ शेयर करेंगे जब तक यहाँ पर मेरा मेकअप कम्प्लीट हो चुका है। सो यह बहुत मासूमाना सा लुक मैंने क्रिएट किया है, उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है और मुझे फॉलो कर लीजिए अच्छे अच्छे मेकअप लुक्स के लिए। अगर आप लोग कोई एक वेस्टर्न लुक बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मेरे सैलून पर अगर बुकिंग करवाना चाहते हैं ब्राइडल और पार्टी और मॉडल मेकअप की, तो आप इन सब के लिए मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको अवेलेबल होता है, आप व्हाट्सअप पर टेक्स्ट करो, जो भी आपको सर्विसेज लेनी है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट।